Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry for the last 26 years and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. So, दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है गोदरेज वुड्स विले एट हिंजेवाड़ी फेस वन पुणे. So let's begin with the presentation. So दोस्तों गोदरेज has come up with new project at हिंजेवाड़ी फेस वन पुणे. तो ये काफ़ी बड़ा टाउनशिप है, करीबन 100 एकड़ का टाउनशिप है और यहाँ पर इन्होंने अभी पहला क्लस्टर लॉन्च किया है जिसका नाम है गोदरेज वुड्स विले. तो ये जो क्लस्टर है करीबन 4.77 एकड़ का टाउनशिप है और यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्डिंग नंबर 1 है, बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 3 और बिल्डिंग नंबर 4. तो अभी इस चारों बिल्डिंग में ये तीन बिल्डिंग लॉन्च किया है, 1, 2 एंड 3. और ये तीनों बिल्डिंग जो है इस पर लोअर ग्राउंड है, अपर ग्राउंड है और 32 हैबिटेबल फ्लोर्स है विद 8 फ्लैट्स ऑन एवरी फ्लोर इन ईच बिल्डिंग. तो यहाँ पर आप सेंटर में आप देखेंगे जो भी एमिनिटीज दिया है वो सारे सेंटर में यहाँ पर दिया हुआ है. और जैसे कि आप जानते हैं गोदरेज इज अ ब्रांडेड डेवलपर, उनके जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें कुछ यूनिक एमिनिटीज होता है, कुछ हटकर एमिनिटीज होता है और प्राइस भी शुरुआत में जब लॉन्च होता है तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस होता है और बहुत सारे उसमें बोनसेस और बेनिफिट्स देते हैं. तो उसी तरह इस प्रोजेक्ट में भी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, रीजनेबल टोकन अमाउंट है और बहुत सारे बोनसेस हैं इसमें जो मैं आगे आपको बताऊंगा. तो बिल्डिंग का एलिवेशन दोस्तों आप देखेंगे कुछ इस टाइप का एलिवेशन है और इसमें कुछ एमिनिटीज़ जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे दिया हुआ है और कुछ एमिनिटीज़ जो है वो रूफ टॉप के ऊपर दिया हुआ है. एरिया के सराउंडिंग में आप देखेंगे तो काफ़ी लश ग्रीन्स है, बहुत सारा ओपन स्पेस है सराउंडिंग एरियाज में. टाउनशिप अपने आप में करीबन 100 एकड़ का टाउनशिप है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो काफ़ी क्लस्टर्स इसमें बनेंगे, काफ़ी फेसेस बनेंगे और ये काफ़ी बड़ा टाउनशिप रहेगा जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और बहुत सारे रिटेल्स प्लाजा भी इसके अंदर ही रहेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा जो कि 100 एकड़ प्लॉट के अंदर रहेगा. तो आज हम लोग बात करेंगे इस क्लस्टर के बारे में जिसका नाम है गोदरेज वुड्स विले. तो दोस्तों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप देखेंगे गोदरेज हैज टेकन मैनी अवार्ड्स इन रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन. और ये पुणे का मैप है जहाँ पर आप देखेंगे 6 लोकेशन में उनका प्रेजेंस है और 6 लोकेशन में उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई है. यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बिल्डिंग्स है. तो प्रेजेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो मामूडी, हिंजेवाड़ी, केशवनगर, मांझरी, उंदरी और महालुंगे, ये सारे एरिया में इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और करीबन 14 लाख स्क्वायर मीटर जो है वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और 15,000 फैमिलीज को पोजिशन दे चुके हैं. प्रोजेक्ट के सराउंडिंग एरिया में काफ़ी ओपन स्पेस है, लश ग्रीन्स है, आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं काफ़ी ओपन स्पेस है. दूसरा USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखते हो तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हार्डली 45 मिनट्स के ड्राइव पर है और राजीव गांधी इंफोटेक पार्क जो है वो 5 मिनट के दूरी पर है इस प्रोजेक्ट से. और 700 एकड़ का महालुंगे मान हाईटेक सिटी बन रहा है जो कि PMRDA के तरफ से अप्रूव्ड है, जो कि इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक रहेगा. उसके बिल्कुल बाजू में 208 एकर्स डेवलपमेंट जो रहेगा वो गोदरेज का रहेगा. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लैट्स लेंगे इस लोकेलिटी में वो IT पार्क के काफ़ी नज़दीक रहेंगे. तो लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे गोदरेज वुड्स विले का सर्कल वाइज अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो ब्लिस इंटरनेशनल स्कूल जो है वो 1.8 किलोमीटर पर है, महिंद्रा इंटरनेशनल स्कूल 0.8 किलोमीटर, राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क इज 2 किलोमीटर, रेडिसन ब्लू इज 1.7 किलोमीटर एंड हयात प्लेस इज 1.6 किलोमीटर. थोड़ा डिस्टेंस में जाते हैं आप 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो रूबी हॉल इज 3.3 किलोमीटर, सूर्या स्पेशलिटी इज 4.7 किलोमीटर, कोर्टयार्ड बाय मेरिट इज 4.7 किलोमीटर, जियोन मॉल इज 4.8 किलोमीटर, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल इज 3 किलोमीटर, विबगौर स्कूल इज 4.1 किलोमीटर. और उसके आगे अगर 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अगर आप जाते हैं बालेवाड़ी मेट्रो स्टेशन इज 6.1 किलोमीटर, बालेवाड़ी बस स्टैंड इज 7.5 किलोमीटर, लाइफ पॉइंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज 5.3 किलोमीटर, रमादा प्लाजा 5.4 किलोमीटर, वेस्ट साइड 5.3 किलोमीटर, क्रोमा 6.2 किलोमीटर, एम्बेसी टेक जोन 5.4 किलोमीटर, तीर्थ टेक्नो स्पेस 6.6 किलोमीटर, मिटकॉन 7.6 किलोमीटर. और 12 से 23 किलोमीटर डिस्टेंस पर पुणे एयरपोर्ट जो है वो 25 किलोमीटर पर है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे 12 किलोमीटर,
पुणे रेलवे स्टेशन 19 किलोमीटर, न्यू केयर 11 किलोमीटर, देन वेस्ट एंड मॉल 11.3 किलोमीटर, क्यूमेंस इंडिया 8.2 किलोमीटर, प्रभावी टेक पार्क 9.3 किलोमीटर, डीमार्ट इज 8.3 किलोमीटर एंड द ऑर्चर्ड होटल 7 किलोमीटर. सो फ्रेंड, दीज आर ऑल इकोसिस्टम विच इज वेरी क्लोज बाय टू गोदरेज वुड्स विले विच इज लॉन्च्ड रिसेंटली. पूरे कॉम्प्लेक्स में 200-400 ट्रीज है, जो कि वैसे ही नेचुरल इसको रखा गया है, तो वो वैसे ही रहेगा. आप इस ट्री के नीचे आप बैठकर बुक्स रीड कर सकते हो, एक चेयर लेके अपने लैपटॉप लेकर आप अपना काम भी कर सकते हो. और प्लस ये दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्डिंग का इमेज है, इंटरनल इमेज. यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल दिया है और लश ग्रीन्स दिया है सराउंडिंग एरिया में. 800 मीटर का जॉगिंग ट्रैक दिया गया है. वर्क फ्रॉम गार्डन सुनने में नया कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आप ओपन स्पेस में बैठकर आप काम कर सकते हो इस कॉम्प्लेक्स पे. तो इस क्लब हाउस का नाम दोस्तों पूरा विदा दिया गया है, जो कि 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और बहुत सारे एमिनिटीज इस क्लब हाउस के अंदर दिए हुए हैं. क्लब टॉप मल्टीपर्पज कोर्ट एंड गोल्फ फुटिंग और गेस्ट सूट्स भी दिया हुआ है, जिनके घर में अगर गेस्ट ज़्यादा आते हैं, फंक्शन है, कोई मैरिज है, कोई सेरेमनी है, कोई गेट टुगेदर है, तो ऐसे गेस्ट सूट्स दिया जाएंगे इस सोसाइटी में, इस कॉम्प्लेक्स में, जो कि इट विल बी प्रायर टू द बुकिंग विद द सोसाइटी, बिकॉज लिमिटेड होगा और कभी फंक्शन होगा, गेस्ट होगा, तो उसके लिए आपको सोसाइटी के थ्रू या बिल्डर के थ्रू बुक करना होगा. फिर दूसरे एमिनिटीज़ में स्क्वैश कोर्ट है, मेडिटेशन एंड डांस रूम है, मल्टीपर्पज़ हॉल, गेमिंग, डिजिटल गेमिंग एरिया, इंडोर गेमिंग एरिया एंड फुल्ली इक्विप्ड जिम. गोदरेज के हर एक प्रोजेक्ट में दोस्तों एमिनिटीज़ जो होता है वो काफ़ी बहुत सारा एमिनिटीज़ होता है. आपको कहीं पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप कोई बड़े शॉपिंग के लिए जाते हैं या आप घूमने के लिए जाते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे जैसे लाइब्रेरी दिया हुआ है और सलून और स्पा दिया है, बिजनेस सेंटर है, क्रश जहाँ पर बच्चों को आप छोड़कर आप ऑफिस जा सकते हैं, स्काई थिएटर इज देयर, बारबेक्यू एरिया एंड मिनी थिएटर. एवरी पार्किंग स्पेस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट. तो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो वह हिसाब से हर एक पार्किंग स्लॉट पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा. सो देयर इज अ किचन एट इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट, जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है. सेंट्रलाइज RO सिस्टम दिया गया है, तो आपको घर में कोई वाटर फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका जो सेंट्रलाइज वाटर होगा वो फिल्टर होके ही आएगा. वीडियो कैमरा दिया गया है और जितने भी फिटिंग्स वगैरह है सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स दिए हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर. एज यू नो गोदरेज इज़ अ ब्रांडेड कंपनी. फूड वेंडिंग मशीन होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर और स्मार्ट पार्सल लॉकर होगा. स्मार्ट पार्सल लॉकर मतलब यह है कि आप घर पे नहीं हो, आप बैचलर हो, अगर फैमिली भी कहीं पर बाहर गई है और आपका पार्सल कुछ आया है, तो पार्सल वाले को कोड पता होगा, वो अपने आपके लॉकर में वो पार्सल आपका रख कर चले जाएगा. फिर आने के बाद तो आपको एक्सेस उसका पता ही, आप खोल सकते. फार्मेसी और लॉन्ड्रोमार्ट, ये जो है ये कंसीज पार्ट का सर्विस है, जो ये सर्विस आपके कॉम्प्लेक्स में प्रोवाइड किया जाएगा. और दूसरे एमिनिटीज़ में आप देखेंगे यहाँ पर शटल कोर्ट, बॉक्स क्रिकेट पिच, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, स्केटिंग एरिया, क्रॉस फिट एरिया एंड आउटडोर जिम. तो कुछ एमिनिटीज़ जो है रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर सिट आउट्स एरिया है जो रूफ टॉप के ऊपर है, और यहाँ पे स्काई लॉन्च और मूविंग डेक है. मेडिटेशन पवेलियन, योगा लॉन, स्टार गेजिंग डेक, सीनियर सिटीजन कॉर्नर. And this is again the master layout of the plot. और जितने भी amenities दोस्तों मैंने आपको बताया, ये सारे amenities यहाँ पर लिखे हुए हैं. कुछ ground floor पर amenities है, कुछ podium level पर है और कुछ terrace पर दिया हुआ है. तो दोस्तों 1 BHK अगर आप देखते हो तो carpet area जो 1 BHK का है वो 508 carpet area है with deck over here, with balcony over here. तो वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन, कोई वेस्टेज नहीं है फ्लैट के अंदर, देर इज नो पैसेज एट ऑल. जो बोनसेस जो दे रहे हैं वो 1 BHK के लिए ये सारे बोनसेस है, जहाँ पर आपको मॉड्यूलर किचन मिलता है, वार्डरोब है, बेड विद मैट्रेसेस, सोफा विद कॉफी टेबल, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन. ये सारे बोनसेस जो है वो 1 BHK के लिए है. तो दोस्तों 2 BHK का प्लान अगर आप देखेंगे तो 771 कारपेट एरिया है, दिस इज द मिनिमम कारपेट,
जिसमें अगेन यहाँ पर दो बैल्कनीज दिया हुआ है, ड्राई बैल्कनी है, और अगेन नो वेस्टेज, एल शेप हॉल दिया है, फॉयर एंट्रेंस दिया हुआ है, तो कोई वेस्टेज नहीं है फ्लैट के अंदर। और टू बेड और थ्री बेड में जो बोनसेस है वो मॉड्यूलर किचन और प्लस 30 फ्लावर पॉट्स दिए हुए हैं। और ये जो यूनिट प्लान है दिस इज फॉर 3 BHK जो कि 973 कारपेट एरिया है। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे दो बैल्कनी है, ड्राई बैल्कनी किचन के साथ में है और फायर एंट्रेंस दिया है। तो फायर एंट्रेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव अ प्राइवेसी इन दिस फ्लैट। अगर यहाँ पर कोई भी खड़ा है पार्सल देने के लिए कोई, तो आप ये हॉल के अंदर डायरेक्ट नहीं देख सकते, देयर इज अ प्राइवेसी ओवर देयर, किचन में भी नहीं देख सकते। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्ट्रक्चर होगा, जो डोर्स, विंडोज, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, फ्लोरिंग्स, किचन के जो भी फिटिंग्स, सिंक, टैप एंड डैडो टाइल्स वगैरह, और वॉशरूम में जो CP सैनिटरी फिटिंग्स होगा, सारे जो होंगे सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स होंगे। एज इट इज गोदरेज इज अ ब्रांडेड डेवलपर, तो उनका जो भी प्रोडक्ट होता है सारे ब्रांडेड फिटिंग्स उसमें होते हैं। दूसरे स्पेशल फीचर्स में आपको वीडियो डोर 4 मिलता है, सोलर वाटर इन मास्टर बेडरूम टॉयलेट, सेंट्रलाइज RO, मॉड्यूलर किचन फॉर 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स विद टॉप एंड बॉटम कैबिनेट्स, गार्डन बैल्कनीज, 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स एंड 2 ग्रीन स्टैंड्स। एंड इन सेफ्टी फीचर्स यू हैव अ पैराफिट बॉल होता है, उसके ऊपर फिर MS रेलिंग लगा होता है, तो उससे सेफ्टी रहता है बैल्कनी में, तो इट्स अ हाइटेड रेलिंग, तो बच्चों के लिए भी वो सेफ्टी रहती है। सो फ्रेंड, ब्रांड्स आर इन पार्टनर विद गोदरेज वुड्स विले एंड द फेमस आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, अल्को फॉर डिजाइनिंग एंड GSA अगेन फॉर लैंडस्केप डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्ट। तो दोस्तों 1 BHK का प्राइस जो होगा वो 56,50,000 एंड इट गोज अप टू 61 लाख, और 2 BHK जो होगा वो 78 लाख से शुरू होगा और इट विल गो अप टू 86 लाख, और 3 BHK जो है वो 99 लाख से शुरू होगा और वो जाएगा अप टू 1 crore 9 lakhs। टोकन अमाउंट अभी दोस्तों आपको देना है सिर्फ 50,000 rupees, और आप अपना फ्लैट बुक कर सकते हो। और आप अगर जल्दी बुकिंग के लिए आते हो तो उसमें बहुत सारे बोनसेस हैं आपके लिए, कुछ डिस्काउंट्स हैं आपके लिए, जो कि आप जब बुकिंग के लिए आप आओगे साइट के ऊपर तो आपको बताया जाएगा। तो गोदरेज के कोई भी प्रोजेक्ट के लिए इन मुंबई, पुणे एंड बेंगलोर बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। एंड फाइनली पोजिशन फॉर दिस बिल्डिंग इज इन December 2026। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।